हेलो गाइस, तो जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे चैनल का मोटो है डोंट ईट लेस ईट हेल्दी। तो इसी को फॉलो करते हुए आज हम आपके लेकर आ रहे हैं गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म टेस्टी इजीएस्ट और हेल्दीएस्ट स्नैक जिसका नाम है सोया बाइट्स। सोया जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होता है और इसको हमने बनाकर तैयार किया है गाइस बिना तले हुए एयर फ्रायर में बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। तो आप सब उसे लेकर इस रेसिपी को आखिर तक जरूर देखिए और एक हेल्दी टेस्टी स्नैक्स का मजा लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम लेंगे एक पैन में पानी और उसको गर्म कर लेंगे और हमें चाहिए एक कप सोया। तो यहाँ पर मैंने न्यूट्रेला कर लिया है तो इसको हम डालकर बॉयल कर लेंगे। एक चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक, तो मीडियम फ्लेम पर इसको हमें 2 से 3 मिनट तक बॉयल कर लेना है और ये जब अच्छे से बॉयल हो जाए तब आप इसको चेक कर लीजिए। तो इस तरह से इसको हम चेक करेंगे, अगर ये सॉफ्टली हो गया है इस तरह से आप दबा कर देख लीजिए, सॉफ्ट हो गया है तो इसका मतलब रेडी है। अब आप इसको निकाल लीजिए। अब पानी जो है इसका वो अलग छान लेंगे हम और सोया में जितना भी पानी है उसको हमें पूरी तरह से निकाल लेना है। तो उससे पहले एक बार कोल्ड वाटर से इसे वॉश कर लेंगे और अब हम इसका जितना भी वाटर है इसको आप निकाल लीजिए। अब हम लेंगे एक और अलग से प्लेट और हाथ के द्वारा बचा हुआ जितना भी पानी है आप दबाकर इसका निकाल लीजिए। तो आप देखेंगे कितना सारा पानी इसमें से निकला है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ली है यहाँ पर कर्ड। तो कर्ड हमें डालनी है, थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए। अब हम डालेंगे इसमें बारीक पिसा हुआ गार्लिक और जिंजर गार्लिक, अगर आप नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। अब डालेंगे कोरिएंडर बारीक कटा हुआ, अच्छे से डाल लीजिए, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इसका। 1/4 कप डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर और 1/4 कप ही हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैदा की जगह आप राइस फ्लोर भी इसमें डाल सकते हैं। अब हमें डालने हैं बस इसमें थोड़े से मसाले, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच ही हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच ही डालेंगे गरम मसाला, 1 चम्मच ही डालेंगे चाट मसाला और नमक डालेंगे 1 चम्मच। तो आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं नमक। बस अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो सोया में अच्छे से कोट हो जाएं। तो देखिए हाथों की तरह इस तरह से मिक्स कर लीजिए और ये अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब हमें इन्हें एयर फ्रायर में फ्राई करना है। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं बट एयर फ्रायर में बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप इसमें ज़रूर ट्राई करिए और एक बार में बहुत सारे इसमें सोया बाइट्स बनकर तैयार हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो अब इसको बंद कर देंगे और टाइम सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 180 डिग्री पर 12 मिनट के लिए टाइम सेट किया है। बीच में आप एक बार इसको ओपन करके देख लीजिए। तो 60 मिनट के बाद मैं इसको ओपन कर रही हूँ और इसको अच्छे से आप एक बार थोड़ा सा हिला लीजिए और हिलाने के बाद फिर से इसको बंद कर लीजिए। और 12 मिनट के बाद हम देखेंगे हमारे जो सोया बाइट्स हैं एकदम बढ़िया तरीके से बिना तले हुए बनकर तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं एकदम परफेक्टली सीखे हैं, कलर भी बहुत ही बढ़िया है। तो एयर फ्रायर में बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए गाइस अब इनको कर लेते हैं गर्मा गर्म सर्व। तो आपने देखा एकदम हेल्दी तरीके से इनको हमने बनाकर तैयार किया है और बहुत ही ईजी है इनको बनाना। तो जब भी आपका मन करे कुछ अच्छा हेल्दी स्नैक्स खाने का तो आप इसको बनाकर खाइए। अपने आप में बहुत हेल्दी है, फुल प्रोटीन से भरा हुआ है और बिना तले हमने इसको बनाकर तैयार किया है। तो गाइस रेसिपी अगर पसंद आई है तो चैनल डाइटिशियन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो फिर इंजॉय करिए गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म सोया बाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू, बाय बाय।